नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र का 5 गुना है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पुत्र की उम्र ये कब की मान रहे हैं, हम ये 3 वर्ष पूर्व की मान रहे हैं। उम्र क्या थी, एक्स थी, और पिता की उम्र क्या थी। जब पुत्र की एक्स है तो पिता कितना था, 7 गुना बड़ा था, तो पिता की उम्र हो जाएगी 7x। ठीक है, ये हमने पहले पुत्र की मान ली कि माना कि 3 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितनी थी, x वर्ष थी, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 7x वर्ष हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र का 5 गुना है। तो अगर पिता की उम्र 3 वर्ष पूर्व 7x थी, अगर वर्तमान कंडीशन में हम बात करें तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 7x और 3 साल और जुड़ जाएंगे, और पुत्र कितने के हो जाएंगे, x थे तो 3 साल और जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसने कहा वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र का 5 गुना है। ये पिता की उम्र है, ये पुत्र की उम्र है, तो यहाँ 5 का हम गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ है 7x प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 15, 5x इस साइड आएगा तो 7x माइनस 5x बराबर 15, और 3 इस साइड जाएगा माइनस 3, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 12, x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आई, तो पिता की वर्तमान पुत्र की वर्तमान में उम्र कितनी थी, पुत्र की वर्तमान उम्र x प्लस 3 थी। ठीक है, x प्लस 3 तो 6x की वैल्यू आई 3, यानी 9 वर्ष। पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का है, और वर्तमान कंडीशन में पिता पुत्र की उम्र का कितना है, 5 गुना है, तो पिता की वर्तमान उम्र बराबर 9 × 5 = 45 वर्ष। ठीक है, दोनों की वर्तमान की आयु निकल आई, पुत्र वर्तमान में 9 वर्ष और पिता वर्तमान में 45 वर्ष के हैं। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।